एसीबी ने शनिवार को बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। जिले में देर रात से बारिश हो रही थी। बरसते पानी में एसीबी की टीम ने तड़के सुबह 6:15 बजे बिलासपुर के नूतन कॉलोनी स्थित उनके आवास पर छापा मारा। एसीबी की टीम जिला शिक्षा अधिकारी साहू के बिलासपुर के साथ ही कवर्धा स्थित निवास पर भी पहुंची। खास बात ये रही कि इस बार एसीबी ने पुलिस की मदद नहीं ली। इस तरह से एसीबी अपनी एक गाड़ी में तड़के सुबह जिला शिक्षा अधिकारी के घर पहुंची। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। डोरबेल बजने के बाद जब दरवाजा खुला तो एसीबी की टीम को सामने देखकर जिला शिक्षा अधिकारी और परिवार चौंक गया। बताया जा रहा है कि बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति की कई शिकायतें एसीबी को मिल रही थी। सभी शिकायतों की जांच के बाद एसीबी ने आज छापामार कार्रवाई की। सूत्रों का कहना है कि टीम ने साहू के खिलाफ विभिन्न स्रोतों से मिले संपत्ति एवं दस्तावेजों और सबूतों की जांच की। एसीबी टीम ने साहू के आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें जब्त कर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू को हिरासत में ले लिया है। यहाँ मैं अक्टूबर से जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में हूँ। आए थे अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत किया गया है। दस्तावेज वगैरह की टीम ने क्या जब्त किया है? नहीं, किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं थे। अभी सर आपके पास कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई शिकायतकर्ता कौन सामने आया है? क्लिक कर लिए हैं, पूरा देख लिए। क्या आपके कवर्धा वाले घर में भी छापा पड़ा है? ऐसा उसकी जानकारी नहीं है। कवर्धा में था कई कहा जा ऐसा पता है मेरे को, और कागज वगैरह किसी प्रकार का कोई कागज दिए नहीं थे मेरे को जी। तो ये थे जियो सिंह साहू जिनकी क्या बात है।